नमस्कार दोस्तों, जन सरोकार मंच के इस बहुत प्रेमिल मंच पर आप सबका स्वागत है। धन्यवाद है इस मंच को, देवेंद्र जी को। उन्होंने मुझे कविता पाठ के लिए आमंत्रित किया। बहुत खास है मेरे लिए फिलहाल यह अवसर। कल ही मेरी किताब कविता पुस्तक प्रेमिल बातें पर चर्चा हुई है, कहें कि उसका लोकार्पण हुआ, विमोचन हुआ और अच्छी चर्चा रही। मैं उन सबको धन्यवाद देती हूँ। देवेंद्र जी से पहले से बातें हो रही थी कि हम एक कविता का कार्यक्रम करें। कविता हमारे समय में दोस्तों एक ऐसी ताकत है प्रतिरोध की, जो अपने आप में बहुत खास है। और कविता हमें तमाम बिखरी हुई चीजों, तमाम हमारे अधिकारों, तमाम हमारी परेशानियों को भी आवाज देने की जगह है। और उस कविता का भी हम लगातार बाजार बनाते हैं और बनाते रहें, इस जोश के साथ हम ये कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं। और एक बार फिर देवेंद्र जी को, जन सरोकार मंच को धन्यवाद देते हुए मैं ये बात दोहराना चाहूंगी कि उसे कई बार ये बात हुई, मैं अभी पुर्तगाल में हूँ, एक बहुत प्यारा शहर है फिगायरा द फॉश, और मेरी इच्छा थी कि इस शहर पर भी कुछ कविताएं पढ़ूं। तो आगे हम वो कार्यक्रम ही करेंगे, पुर्तगाल पर लिखी हुई कुछ कविताएं, क्योंकि बड़े प्यार से इस देश से एक नाता मेरा जुड़ रहा है और मुझे बड़ा अच्छा लगता है। ये मेरा एक प्यारा सा अपार्टमेंट है इस शहर में, समुद्र तट का शहर है और मतलब क्या ही मौसम रहता है। तो उन सब पे मैंने कविताएं लगाई थी, शहर विशेष पर कविता नहीं लगाई है, अभी लगाऊंगी। लेकिन आज मैं कुछ कविताएं पढ़ना चाहती हूँ उसी किताब से जिसका कल विमोचन हुआ, लोकार्पण हुआ, जो आप सबके सामने चर्चित हुई, और आशा है कि आप उसको मंगवाएंगे भी। इस मंच से भी मैं ये इल्तजा कर रही हूँ, पुस्तकनामा से वो प्रकाशित है, महेश्वर दत्त शर्मा जी से आप मंगवा सकते हैं। लेकिन बहरहाल, तो कल कुछ कविताओं की चर्चा हुई और मुझे उन सब का पाठ करना था, लेकिन हम शीर्षक पे बातें करते रहे क्योंकि जो शीर्षक कविता है वो बस 3 पंक्तियों की है और मेरे पास अभी किताब नहीं है। आप पीछे देख पा रहे हैं, ये PDF है मेरे पास फोन का, और मतलब मैं क्या बताऊं कि मैं अपनी उस किताब को हाथ में पकड़ के कैसे आपके सामने पेश करना चाहती हूँ। तो वो सुख भी मुझे देंगे जरूर देवेंद्र सर आगे, और भी हम बहुत सारे कार्यक्रम करेंगे, बातचीत भी करेंगे यूरोप में रहने वाले जो हिंदी प्रेमी हैं, जो हिंदी भाषाविद हैं, लेखक हैं, सबसे, लेखिकाएं हैं, सबसे धीरे धीरे। फिलहाल सबसे पहले यूरी जी ने कल एक बड़ी अच्छी बात कही, एक पड़ोसी पे एक कविता है, हर किसी का घरेलू नाम। तो पड़ोस हमारा हमें हमेशा प्रिय होता है, वहाँ हमारी सारी जो है चीजें दर्ज होती रहती है ना, हम कब आए, हम कब गए, हम दिखते हैं लोगों को, और मतलब इस तरह हमारा रहना, हमारा वहां होना, एक प्रकार से वो हमारी हस्ती का ऐसा एक हिस्सा होता है। मैंने कभी इतना सीरियसली पड़ोस को विदेश जाने से पहले नहीं सोचा था, लेकिन वो होता है हमारे जहन में। और मैं पहले कविता पढ़ती हूँ और फिर उसके बाद मैं बताऊंगी कि ये जो खास पड़ोसी है, अब भी एक रिश्ता हमारे यहाँ का जो पड़ोस है उससे, इससे पहले जहाँ मैं लिस्बन में थी या मादोरा में, वहाँ भी जो फ्लैटमेट्स थे उनसे, यहाँ तो मैं अकेली हूँ लेकिन वहाँ जो फ्लैटमेट्स थे उनसे एक अलग रिश्ता बना, और जो पड़ोस था उससे एक अलग रिश्ता बना। अलग अलग किस्मों के लोग होते हैं दोस्तों, एक मतलब जिसको हम कहते हैं ना कि एक टोटल पिक्चर हम नहीं प्रेजेंट करते, वो होलिस्टिक पिक्चर हम कभी नहीं होता किसी भी चीज का। बात सिर्फ अच्छे लोग बुरे लोग की नहीं है, बात अलग अलग लोगों की है, बात अलग अलग उम्रों की है, लेकिन यहाँ के लोग बड़े ओपन हैं क्योंकि इसकी पॉलिसी भी वैसी ही है। तो अगर आप उनको ग्रीट करें तो बहुत अच्छे से ग्रीट करते हैं और मतलब खुला खुला लगता है सब। हर किसी का घरेलू नाम, ये छूटे हुए पड़ोस की कहानी है, कहानी नहीं है, कविता है, लेकिन आप इसमें कविता का लयात्मक रूप भी देखेंगे। बावजूद इसके हर कविता का जो में एक जो तथ्य होता है, जो उसकी दलील होती है, हम उसको भी हम कभी कभी कथा कह देते हैं।
कभी कभी कविता में कथ्य बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वो कविता केवल रोमान की नहीं है, बहुत कुछ कह रही है। तो हर किसी के होते हैं अमूमन दो नाम, डाक नाम। झुंपा लाहिरी का जो उपन्यास है गोगोल वाला, क्या उसका नाम है, गनेम सेख, उससे ही केवल इंस्पायर्ड नहीं है। ये ऐसे भी है दोस्तों कि मेरा जो है ना वो कोई घर का वैसे नाम नहीं है। जैसे हम कहते हैं ना, जब हम पहले पहले स्कूल जाते हैं तो लोग निक नेम जैसे हम कहते हैं घरेलू नाम, तो वो नहीं। मुझे बिहार में बाबू के बदले बउआ टाइप की चीज चलती है, तो वही हो गया। और मतलब पंखुरी ही लोग जब ना फॉर्मली बुलाना होता है, तो ये नहीं कि मेरा नहीं है इसलिए, लेकिन ना हर व्यक्ति के नाम की अपनी एक महत्ता होती है, अपने नाम से वो याद आता है। मेरा बात करने का बहुत मन है, मैं बात करती रहूंगी, और आप किताब तो मंगवा के खुद से पढ़ ही सकते हैं, मैं पढ़ ही रही हूँ, लेकिन बातों का आनंद। आपने पढ़ा होगा ना वो गोगोल वाला उपन्यास, की कैसे उसकी नानी जो है चिट्ठी में नाम भेजती है वगैरह वगैरह। हर किसी के होते हैं अमूमन दो नाम, उसको डाक नाम कहते हैं बांग्ला में, डाक यानी पुकारना। हर किसी के होते हैं अमूमन दो नाम, घरेलू घर के नाम, प्यार के पुकारा जाता है हर किसी को कई नामों से, कई कई नामों से, इनके उनके द्वारा। जैसे आपने सुना होगा कि नहीं, मेरे पिता मुझे ये कहते हैं, मेरी माँ मुझे ये कहती हैं, मेरे छोटे भाई मुझे ये कहते हैं, मेरे बड़े भाई मुझे ये कहते हैं, वगैरह वगैरह। तो इनके उनके द्वारा, दोस्त मित्रों द्वारा। और जबकि उसका नाम बहुत बहुत मशहूर था, यानी वह नाम बहुत मशहूर था, कई कई लोगों के नाम थे उस नाम के, नामी गिरामी लोगों के, लेकिन मेरे लिए उस नाम का सिर्फ एक मतलब था, मेरा पड़ोसी, मेरे उस घर के बगल का पड़ोसी, जो दुनिया में मुझे सबसे अजीज था, जो फिलहाल मेरी पहुंच से बाहर था, दूर मुझसे घर मेरा, मेरी सारी हस्ती उस घर में सिमटी थी, मेरा रहना मेरा बसना, पौधे उगाने के सपने देखना और कहना उन पौधों की बातें, पड़ोसी से उस जो मित्र था, मतलब बागवानी की बातें, जिसकी दूसरी नागरिकता थी, जो दूसरे देश का था, जो वहीं का था। तो ये फिर से मेरे देश निकाले की कविता है। कल यूरी जी से मैंने यही कहा कि कविता पाठ मैंने फौरन फौरन कर दिया, लेकिन वो कविता तो पड़ोसी वाली रह ही गई। मैं बता भी देती हूँ कि क्या नाम है, बड़ा नामी गिरामी, उस स्त्री का नाम, उस लेडी का नाम, एक कपल था, एक फैमिली थी, और मुझे लगता है कि माँ या बेटी दोनों में से किसी एक का नाम मिशेल था। तो मिशेल ओबामा, मिशेल फूको, बहुत से लोग हैं इस बहुत प्रसिद्ध नाम के। बाद में वो बहुत, अब ये तो 2007 की बात है जब मैं आखिरी बार उस घर में गई थी, 16 अगस्त की बात है जब मैं उस घर से निकली और अपनी यूनिवर्सिटी में हिरासत में ली गई। तो अब उस घर में कैसे लौटना है वो राह भी मुझे बनानी है, और कविता जरूर मेरी मदद करेगी। तो मेरे लिए तो कविता इतना ज्यादा कुछ है कि मैं चाहूंगी कि आप मेरे साथ इस लड़ाई में भी जुड़ें। और भी बहुत सी बातें हैं। तो ये जो पड़ोसी के साथ की बात है, मतलब पड़ोसी आपकी जरूर कभी गवाही दे सकता है, लेकिन क्या आप वहाँ भाई रहते थे, और तमाम चीजें, मतलब ये एक अद्भुत चीज है देश निकाला। जितने लोग हमारे बाहर हैं, जैसे दिविक रमेश जी से आज मेरी बात रही थी, वो भी लंबे समय तक प्रवास में रहे, कोरिया में, शायद दक्षिण कोरिया में। विनोद तिवारी जी तुर्की में रहे। बहुत सारे लोग रहे हैं, सुरेश ऋतुपर्ण जी जापान में रहे। तो इन सबको अपना पड़ोस याद आता होगा, लेकिन मेरे लिए ऐसा था कि मतलब मुझे नहीं लग रहा था कि मतलब मैं इस खूबसूरत घर में लौट ही नहीं पाऊंगी इस तरह। तो पड़ोसी को याद करने के लिए बहुत सी कविताएं हैं, लेकिन मैं कुछ ही सुनाऊंगी, समय भी आज कम है। और देवेंद्र जी से गुजारिश भी कर ली है कि दोबारा जब किताब होगी पास तो इकट्ठे बहुत सी कविताएं करेंगे, कवियों के पास बहुत होती हैं। एक मैं और पढ़ती हूँ जो भी दर्द की ही कविता है, वो तो मतलब किसी तरह से ये भागते भूत की लंगोटी पकड़ने की कथा बिल्कुल नहीं है दोस्तों, ये उस हस्ती की बात है जो कि मेरी थी,
और जो मुझसे ली गई, तो मैं तो अपने उस हस्ती को कतरा कतरा समेटूंगी ना। मैं कैसे ये मुझसे अपेक्षा की जा सकती है कि मैं उसे भूल जाऊं। एक कविता है डेजा वू, मुझे लगता है फ्रेंच वर्ड है ये, अमूमन बोना पतीत की तरह। तो ये जो कविता है, जैसे कि वो मेरा घर था, मतलब वो मेरे सबसे कहें कि खूबसूरत 7 साल थे जिंदगी के, 1 से लेकर 7 वो अमेरिका में बीते। और ये मेरी मतलब उस वक्त मुझे जो मेरे एक्स हस्बैंड हैं, उन्होंने मुझे बड़ी अच्छी एक गाड़ी भी दी थी चलाने के लिए। बहुत उलझी हुई होती हैं बातें दोस्तों, आगे बिगड़ती हैं, तो हम उन उसमें बाद में पहुंचेंगे। मतलब मेरी जिंदगी से जुड़ी हुई कविताएं हैं, लेकिन आप इसे ये इस तरह से अगर पढ़ें कि आपने कभी अगर गाड़ी चलाई हो किसी एक जगह, और वहां पे आप गाड़ी चलाने में कंफर्टेबल हो क्योंकि बिल्कुल ट्रैफिक नहीं, जैसे मैं तो दिल्ली में गाड़ी चलाने में कंफर्टेबल नहीं, बहुत कोशिश करूं तो क्यों नहीं चला लूंगी, लेकिन अब ये है कि क्यों। बहरहाल बात यह है कि हम दुनिया में बहुत सी जगहों पे रहें, बहुत सी जगहों पे अपनी भाषा के पताका को लहराते रहें, भाषा की पताका को लहराते रहें, भाषा का झंडा लहराते रहें, वो भी उसमें भी एक आनंद है। तो और जब मैं बाद में पढ़ने गई कनाडा, 7 में देश निकाले के बाद जब मैं 8 में कनाडा में PhD करने गई, और एक ही इत्तफाक है इस पूरी कहानी में कि मेरा पासपोर्ट एक्सपायर कर रहा था और कनेडियन इमिग्रेशन ने मेरी वो हालत कर दी, मतलब 2 साल तक उन्होंने स्टडी परमिट रिन्यू नहीं किया और बहुत समय लग गया, तो फिर नहीं हो पाया। मतलब मेरी स्थितियां बिल्कुल बदल गई थी, रहने से लेकर सब कुछ किया। अब जैसे मतलब वो बड़ी ठंडी जगह है, बहुत खूबसूरत, क्या रॉकी माउंटेन वहां से दिखता है, लेकिन ठंड वहां बहुत है। तो ये कैलगरी नाम का शहर है, इतनी साफ हवा है कि मैं क्या बताऊं, लेकिन फिर ठंड मतलब -40। तो उस पे मेरी कई कविताएं हैं, एक है नानी की निमकी भी, लेकिन ये है डेजावू। सुनिएगा, अब मैं नहीं बोलूंगी बीच में। जो अब याद भी नहीं है ऐसा संगीत, जिसे अब बिल्कुल गुनगुनाया नहीं जा सकता, कि जैसे वह मेपल के उस पेड़ की बगल से बाएं मुड़ा करती थी, उस पेड़ के कटाव को याद कर सिर्फ अब ठंड से अकड़ गई उसकी उंगलियां, थिरक जाया करती थीं उस लय में। ये मुश्किल था जानना कि उस धुन को वह पहचान लेगी, यह उसकी गाड़ी थी, उसमें जापानी मेपल की एक पत्ती थी, उससे पहले एक डॉल्फिन, तमाम तरह के कार फ्रेशनर्स उसकी पसंद के, वह उसकी गाड़ी थी। वह बेहतर उसे चलाता था, छुट्टियों के दिनों में वह उसे दुनिया दिखाने ले जाया करता था, शहर से दूर, और ले आया करता था, और दफ्तर के दिनों में दे दिया करता था गाड़ी उसे, छोड़ जाया करता था पास उसके, गाड़ी का देना बड़ा देना था उनके बीच, बड़ी बात, दुनिया के बीच और भी ज्यादा बड़ी चीज गाड़ी उसकी थी, कई अर्थों में उसकी थी। जब हम साथ होते हैं तो ये तमाम ईगो क्लैशेस होते हैं, खास करके अगर कोई ये कहे, गाड़ी उसकी थी कई अर्थों में उसकी भी, उसकी भी अर्थात ये जो सेकेंड पर्सन लड़की जो इक्वेशन में है, उसकी थी इसलिए उसकी भी, लोगों की पंचायत से पहले, जन सुनवाई से पहले, वह उसे शहर के ट्रैफिक सिग्नल्स के बीच चलाया करती थी, बाजारों और दुकानों के बीच, यो उसे साथ धुलवा और वो उसे साथ धुलवाने ले जाया करते थे। कलाजीत राय जी इस कविता का आंशिक रूप से जिक्र कर रहे थे कि गाड़ी के धुलने से नीली झाग गिरती है कभी तो गिरेगी फिर। वो उसे साथ धुलवाने ले जाया करते थे ढेरों नीले झाग में लिपटे, उसे उसके साथ तौलिए में लिपटे होने का एहसास होता था, अब 20 डिग्री सेंटीग्रेड में बिना गाड़ी, उस गुनगुनी नीली झाग का गिरना सर के ऊपर दुनिया के किसी भी संगीत से ऊपर था, लेकिन जो संगीत उस पर हावी था
जो धुन उस पर छाई थी, जो कहीं से सुनाई दे रहा था, दांत काटी सर्दी में वह दफ्तर का संगीत था, गाड़ी को दफ्तर में खड़े करने का संगीत, दफ्तर को अर्जित करने हासिल करने का संगीत, अपने छात्रीय दफ्तर को, मतलब दफ्तर मेरे पास था लेकिन वीजा वेटिंग स्टेटस में ना तो मैं गाड़ी खरीद सकती थी ना मैं अपार्टमेंट खरीद सकती थी, कोई प्रॉपर्टी नहीं। कनाडा के कानून बहुत सख्त है प्रॉपर्टी अर्जित करने के बारे में। तो उसने जो है उसने मेरी मतलब मिट्टी पलीद कर दी, काफ़ी सारे हेल्थ कंडीशंस भी दे दिए, मतलब मेरा पाचन जो है, मतलब मुझे पाचन के लिए रोज़ कम से कम कई दवाएं खानी होती हैं। तो दफ्तर को अर्जित करने की का फिर भी मेरा सपना बचा हुआ था, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, वो पूरा होगा। ये छात्रीय दफ्तर जो है ये पीएचडी के टीचिंग असिस्टेंट का था। दफ्तर को अर्जित करने हासिल करने का संगीत, अपने छात्रीय दफ्तर को पहुंचने का संगीत, वहां तक ऐसी बंदिश सी लगी थी, दीवार सी खड़ी थी, वो संगीत था ढूंढने का उस पार्किंग लॉट में अपने लिए एक स्पॉट, और जाना उन गलियारों से क्लास तक, जहां सब बातें और जहां से सब बातें आगे की ओर हो, पढ़ाया जाए विषय और छात्र याद करें सबक, और क्लास ना बने राजनीति का अड्डा, सिर्फ पढ़ना वहां जाकर और कुछ देर बैठने के बाद बताया जाना कि वह उससे पहले यहां था, उसने घर तक की तमाम बातें बता दी बेवजह की गुजारिशों के साथ, और फिर सवाल उससे सवाल सवाल सवाल, घुसपैठ यातनाएं बोली तक लगाई गई उसकी कि वह उसी की थी, प्रेयसी थी पूर्णता की बोल न दे किसी और के प्रस्ताव को, फिर घसीटा गया उसे सोशल डार्विनिज्म की राजनीति में, भयानक राजनीति में। शेष बची ख्वाहिश सिर्फ ये कि दोबारा पहुंचा जा सके दफ्तर के पहले दिन, और ढूंढ कर पार्किंग लॉट में एक स्पॉट, खड़ी की जा सके अपनी गाड़ी। ये कविता थी डेजावू, जो पार्किंग कर लेने के आनंद पे है। मुझे याद आ रही है रश्मि भारद्वाज की एक कविता, अभी उन्होंने लगाई थी, साइकिल पे पहले और फिर दिल्ली में पार्किंग करके। तो ये कविताएं कनाडा में लिखी गई थी, मैं उम्मीद कर रही थी तो ऐसे कनेक्शन बनता है। वो रश्मि जी पर मैं एक छोटी सी पोस्ट भी लिख रही हूँ, समीक्षात्मक बाद में साझा करूंगी। बीतना दिन का, और फिर जब एक बार आप ट्रायल में होते हैं तो फिर ट्रायल बढ़ता जाता है दोस्तों। तो ये एक प्रकार से प्रवासी संघर्ष की कहानी है, प्रवासी संघर्ष की कविताएं हैं, कहानी मेरी है, लेकिन इसमें कहानी नहीं है, इसमें जो एक स्थिति है उससे उपजा जो दर्द है या जो मनोभाव है, केवल दर्द नहीं है, आप इसमें दर्द का रुमान भी देख सकते हैं, इसमें संघर्ष से जूझने का आप जज्बा भी देख सकते हैं, इसमें आप एक बड़े सपने का वो भी देख सकते हैं। अपनी कविता की तारीफ नहीं कर रही हूँ, केवल बता रही हूँ कि क्या है रचनात्मक प्रक्रिया, है ना, कम से कम प्रयास ताकि आप उसको तलाशें। तो एक कविता है बीतना दिन का। जब आप ट्रायल में होते हैं और आप सर्वेलेंस में होते हैं, देखिए कल मैंने एक कविता पढ़ी थी देखना, एक कविता लंबी जो मैंने पूरी पढ़ी थी, दोबारा अभी पढ़ने का समय नहीं है, 19 मिनट यहाँ भी हो गए, लेकिन मैं दो कविताएं और पढ़ूंगी, थोड़ा सा आशा है कि आप मुझे समय देंगे, जल्दी जल्दी पढ़ती हूँ और बोलती कम हूँ लेकिन जरूरी बात है बीतना दिन का। तो ये सब मेरे कैनेडियन ट्रायल की कविताएं हैं, लेकिन ये परपेचुएट हो जाती है। तो मतलब किस तरह से अमिताभ घोष के उपन्यास द ग्लास पैलेस की तरह चीजें पारदर्शी बनाई जाती है, फिर आपकी हर आवाज जो है ना वो पैरे में आती है। बीतना दिन का, उम्र का, घंटे दर घंटे, इसमें आप स्त्री विमर्श भी पढ़िएगा दोस्तों। उम्र का क्रम से सिलसिलेवार होना एक पूरी दिनचर्या का, दिनचर्या के हर अध्याय का होना, और उसे बाधित किया जाना कैद में नहीं, सिर्फ एक नजरबंदी में, कैद से रिहाई के बाद, मैंने कहा की हिरासत में ली गई, कैद में नहीं सिर्फ एक नजरबंदी में, जिसमें कमरे की आपकी आखिरी सोच से ताल मिलाता कोई मिले,
सड़क पर निकलते ही कमरे की दीवारें बना दी गई हो इतनी पारदर्शी कि दरवाजा खोलने को आपके बगल के दोनों कमरे में सुना जा सके, और किचन के सिंक और बाथरूम के भीतर दोनों जगहों पर कब्जा हो जाए, इसको मेटाफोरिकली लें, और अगर चूल्हा बचता हो उन साझी जगहों में जहां लड़ाइयां लड़ी जा सकती हैं, जहां साथ पकाने की होड़ लग सकती है, साथ आग जलाने की व्यंजन पक सकते हैं, अलग-अलग देशों के एक समा बंध सकता है, विभिन्नता से ज्यादा के आस्वादन का यहां हम लहराएं अपने अपने देशों के पताके खामखा। मतलब स्पेस शेयरिंग बहुत मीठी हो सकती है, हम उसको बस मीठा बनाए रखें। बहुत कविताएं हैं लेकिन नहीं पढ़ूंगी। सर्वेलेंस पे ये कविता है, और अभी मैं एक बात जल्दी से कह दूं जो कल भी मैंने नोट करके रखी थी और भूल गई, और वो ये है कि कल मैं कहना चाहती थी, एक मेरी बहुत प्यारी मित्र हैं जर्मन जो इटली में रहती हैं, एंजी श्टीन, उनकी कविताओं का बहुत सुंदर एक संग्रह आ रहा है, मुझे उन्होंने भेजा है ब्लर्ब लिखने के लिए, तो बस वो मैं लिख चुकी हूँ, लेकिन उसमें बहुत खास जो कुछ कविताएं हैं वो भी सर्वेलेंस, किस तरह से सर्वेलेंस, अब तो मतलब उसके रूप इतने वो हो गए हैं, हमें बताया जाता है कि स्मार्टफोन से ट्रैक किया जा सकता है, लेकिन मतलब ये तो मतलब कोई ऑथराइज आदमी कर सकता है ना, जैसे आर्मी वालों को स्मार्टफोन कैरी करना मना होता है क्योंकि दुश्मनों से ट्रैक कर सकते हैं, लेकिन मतलब हम और आप तो किसी, जैसे मैं चाहूँ कि अब मैं सुन सकूँ कि किसी के किसी बड़े संपादक की क्या बातचीत हो रही है, तो मैं शायद उसके फोन से नहीं सुन, मुझे तो किसी की कोई आवाज नहीं आ पाती, तो मैं जुड़ने की ऑनलाइन लिंक की बात नहीं कर रही, मैं सर्वेलेंस हैकिंग और फोन के गलत इस्तेमाल की बात कर रही हूँ। तो एंजी की कविता है, आजकल के एक एआई प्रोग्राम्स हैं लैवेंडर और वेयर्स डैडी करके, जो बिल्कुल आपको ट्रैक कर सकते हैं किस तरह, तो अगर कोई निशाने पे है तो उसको किया जा सकता है। फिलहाल एक कविता निकल गई है, 20 मिनट से ज्यादा 22 हो चुके हैं, जल्दी से मैं पढ़ दूं, इसका मदन कश्यप जी ने जिक्र किया था, और भी कुछ कविताएं मैंने निकाल के रखी है, दो मैं जल्दी जल्दी पढ़ूंगी, इसको मैं पढ़ देती हूँ। जनसत्ता में छपी थी दोस्तों, कठफोड़वा और घर फोड़नी। तो घरफोड़नी शब्द जो है ये बिल्कुल आंचलिक बिहारी शब्द है, और कठफोड़वा तो एक पक्षी है शानदार, तो लेकिन शब्दों का उसमें वो है, प्रकृति कितनी खूबसूरत है उसमें ये सब नहीं है। शेर भले बहुत देर तक बैठा रहता है शिकार की ताक में, लेकिन कि कब हिरण आएगा कब वो झपट्टा मारेगा, लेकिन उसमें ये बातें नहीं है, वो पेड़ खोद कर अपना घर बना रहा है। यहाँ लोग जो है, ये जो जिन जिन लोगों की अभी यहाँ बात हो रही है, जो खामखा आपको ट्राई कर रहे हैं, ये कोई भी सत्ता हो, कोई भी सत्ता के लोग हो, लेकिन ये बात अपने आप में घेरे में लाई गई है गलत बात की तरह, तो सुनिएगा। यह नहीं कहना कि लड़कों सा दबंगपन था उसमें, बस यही नहीं कहना, ये तो कहा ही जा रहा है, उसके अलावा भी कहा जा रहा है, बस यही नहीं कहना कि लड़कों सा दबंगपन था उसमें, ये भी कि उनकी जोड़ी में उसकी थी लड़कों सी हरकतें। ऐसा मेरे साथ हुआ था, और ये विदेश कहीं भी, थाईलैंड भी जाने से पहले, मेरी शादी से भी पहले, हम जब लिविंग रिलेशनशिप में थे, तो पहले हमारी एक रूममेट भी थी, बल्कि इनफैक्ट लिविंग इन से भी पहले, और वो किसी मैरिड आदमी के साथ प्रेम में थी, और वो मुझे हमेशा ये कहती थी, तुम ही घर में सारा काम करवाती हो, बेसिन ठीक करवाती हो वगैरह वगैरह, तो तुम ही जो हो लगता है कि तुम ही यू द मैन ऑफ द हाउस। तो कल मदन जी कह रहे थे कि ये क्या है, तो ये टॉम बॉय वाली बात नहीं है, ये दूसरी है, और ऐसा नहीं था हर वक्त, लेकिन खामखा की ढूंढना केवल उसमें परेशानियां। मैं सिलसिलेवार पढ़ूंगी, बस यही नहीं कहना कि लड़कों सा दबंगपन था उसमें, ये भी कि उनकी जोड़ी में उसकी थी लड़कों सी हरकतें, लड़कों सी अदाएं सब हाव भाव, बल्कि यहां तक कि जिस तन्मयता तल्लीनता जिस समर्पण के साथ वह पूरे करती थी घर के सब काम, पुरुषों जैसा था वह,
जैसे पुरुष होते हैं घर के रखवाले, लेकिन स्त्रियां होती हैं घर की नींव। जैसे पुरुष होते हैं घर के रखवाले, संचालक, चालक, पालक, पालन करता, जबकि खुली आंखों से वह देख सकती थी औरतों की कर्तव्य परायणता, कर्तव्य बोध उनका, जिस भक्ति भाव से, जिस शक्ति के साथ वो जुटी होती थी, चूल्हे चौके में ही नहीं केवल खेतों में पिसती थी चक्की के साथ, आंखें मूंद कर पीछे देखा जा सकता था औरतों के श्रम के इस किस्से को। सालों तक औरतों ने दफ्तरों के आगे धरने देकर, लाइनें लगाकर अर्जित किए थे वो कागज जिन पर नाम लिखा था घर के तमाम कामों का, गिनती थी उनकी। अर्थशास्त्र के आंकड़ों में शामिल उनका श्रम, हाउस होल्ड इनकम में लंबी लिस्ट उनके काम की, संविधान में स्वीकृत भाषाओं की लिपि में मुआवजा उसका, सब भरपाई, हाथ में ना आए कोई कमाई। पर लिखा तो है कि धीरे धीरे बढ़ेंगे अधिकार हमारे, मिलेगी पगार, पर ये संकट, ये आपसी मनमुटाव तो कामकाजी महिलाओं का था कि कभी नहीं होता कोई मोर्चा एकजुट, महिलाओं का तो कतई नहीं, कभी नहीं। कुछ सास बहु वाली उठा पटक बनी रहती है हर महिला जमावड़े में, दमन की पुरानी राजनीति का नतीजा था, कहते थे जानकार, पर ये लड़की प्रेम के भी संकट में थी। अपने पुरुष की कमी से सताई हुई, पराए पुरुष के प्यार में बोती उनके बीच अजब किस्म के कांटे, पर ये तो ये लड़की थी, बाकियों का क्या। कहां थी उनकी तारीफें, उनके प्यार के बोल कहाँ थे। दर्द होता था कि सब लोग यूं तोड़ने में लगे थे साथ उनका। तो ये जो घर घर फोड़ने वाला है वो तो मुझे हिसाब से, मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि क्लियर जैसा है। बहरहाल इस पर हम कभी और लंबी बात कर सकते हैं, ये एक चर्चा में तो कोई बात निपटती नहीं है। और प्रवासी कविताओं के लिए भी एक कविता है, उपज और आयात, वो भी बाद में पढ़ूंगी। फिलहाल तो एक और कविता है, आज और अभी का वक्त वैश्विक भी, उसको भी मैं छोड़ दे रही हूँ आगे के लिए। एक दो कविताएं मैं और पढ़ देती हूँ जो मुझे लगता है कि मेरे पास है। मदन जी ने ही कल चर्चा की होली और शादी का इंतजार करती लड़कियां, उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि हिंदी में इस थीम पे कुछ लिखा गया हो। तो ये वो है कि जब आपके भीतर वो उमंग नहीं होती, एकदम रंगों में डूब जाने की, जब आपको सब सफ़ेद सफ़ेद सा दिखता है और आप चाहते हैं कि अभी वैसा ही बना रहे, जब हमारे भीतर वो रंग फूटे, जब वो फवारा फूटे, तब वो रंग आए, है ना। होली और शादी का इंतजार करती लड़कियां, रंगों में आजकल केमिकल है, आप इसे चाहें दूर तक खींचे तो बहुत दूर ले जाएंगे, लेकिन हम इस एक वाक्य को भी बहुत व्याख्या नहीं करें, ऐसे ही छोड़ दें। रंगों में आजकल केमिकल है और लगाने में इतनी कृत्रिमता, अपनेपन के नाम की कुछ तो शुरू से भी रही है। लेकिन ये जो लगाने में इतनी कृत्रिमता की जो बात है, हम जब दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे फर्स्ट ईयर में, तो होली के आसपास लड़कियों पर ईव टीजिंग की तरह रंगीन गुब्बारे फेंके जाते, चोट भी लगती थी। तो वो भी है, और हम सब जानते हैं, हम तो इस पर मतलब ये हरासमेंट, रंग लगाने के नाम पे हरासमेंट होता है, इसी पे ये कविता है एक प्रकार से। रंगों में आजकल केमिकल है और लगाने में इतनी कृत्रिमता, अपनेपन के नाम की कुछ तो शुरू से भी रही है। रंग लगाने में भावों की धांधली, असल खुरदुरापन, बेहद रुखड़ापन, मुलायमियत की कमी, बेरुखी और बेदर्दी भी लड़कियों को जबरन रंग लगा देते रहे हैं बहनों और औरों के भी पति। वो बचना चाहती हैं किसी भी और के हाथों रंगने से, क्या कभी नहीं सुना। शादी का इंतजार करती लड़कियां नहीं खेलना चाहती होली, नहीं खेलती अबीर रंग गुलाल। तो एक प्रकार से ये थोड़ी सी उदासीनता की कविता है, लेकिन ये ईव टीजिंग की बात है। तो
और कुछ एक कविताएं हैं जो मैं जल्दी जल्दी पढ़ना चाहती हूँ, एक ही और पढ़ती हूँ और बस तमाम करती हूँ। हम 30 मिनट पहुंच गए। प्यार में गफलत और जगह, गफलत भी हो जाए तो आप भी माफ करते हुए जुड़ेंगे इस इल्तजा के साथ। कविता पढ़ के तमाम करूंगी। प्यार में कुछ गफलत लायक, प्यार में कुछ गफलत यानी गलती लायक, होनी तो चाहिए जगह, जगह तो हमेशा होनी चाहिए। प्यार में कुछ गफलत लायक, होनी तो चाहिए जगह, और यही प्रेमिल बातों की जरूरत होती है कि हम उसको ओपनली डिस्कस कर सकें, और होनी चाहिए इतनी जगह कि दुनिया के सब आश्चर्यों की बात की जा सके, जैसे कि उसके संदेशों की झलक दिखाकर कैसे घुमा देता है मेरा फोन। अब ये एक इंस्टेंस है, ये किसी के भी संदेश, किसी भी तकनीकी अजूबे की हम बात कर सकते हैं कि ये कैसे हो रहा है। अभी भी मेरे पास ये सवाल है बहुतों से, और ये दोस्तों से भी बात होनी चाहिए। और ये सबसे जरूरी किस्म के संदेश होते हैं, और भी बहुत ढेर सारे आश्चर्य हैं मेरे आसपास। तकनीकी अजूबों की तो दुनिया बनी है, पर गैर तकनीकी अजूबों पर अगर एक सहमति हो जाती, पर गैर तकनीकी अजूबों पर अगर एक सहमति हो जाती, या केवल बातें भी, तो लगता बातें हो गई वो चीज जिसे प्यार कहते हैं, एक बार समझ आ जाती दुनिया की और गुत्थियों के साथ। शुक्रिया दोस्तों मुझे सुनने के लिए। हम दोबारा जुड़ेंगे। देवेंद्र जी का जन सरोकार मंच का बहुत धन्यवाद।